जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे भोजपुरी के टॉप 10 विलन एक फिल्म के लिए कितना पैसा लेते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान जरूर दबाएगा, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पर बात की जाए उदयेश मिश्रा की, तो जी फ्रेंड्स, भोजपुरी के नंबर वन विलन माने जाते हैं उदयेश मिश्रा, और ये एक फिल्म के लिए 10 से 12 लाख रुपए लेते हैं। नंबर दो पर बात की जाए संजय पांडे जी की, तो जी फ्रेंड्स, ये एक भोजपुरी फिल्म करने के लिए प्रोड्यूसर से लगभग 8 से 10 लाख रुपए लेते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर नंबर तीन पर बात की जाए देव सिंह की, तो जी फ्रेंड्स, ये एक भोजपुरी फिल्म करने के लिए 6 से 8 लाख रुपए लेते हैं और एक बेहतरीन विलेन माने जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। जी फ्रेंड्स, नंबर चार पर बात की जाए अयाज खान जी। जी फ्रेंड्स, नंबर चार पर बात की जाए अयाज खान की, तो अयाज खान एक फिल्म करने के लिए प्रोड्यूसर से 6 से 8 लाख रुपए लेते हैं। जी फ्रेंड्स, नंबर पाँच पर बात की जाए सुशील सिंह जी की, तो जी फ्रेंड्स, सुशील सिंह जी एक फिल्म करने के लिए 5 से 6 लाख रुपए लेते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर नंबर छः पे बात की जाए समर्थ चतुर्वेदी की, तो ये एक फिल्म करने के लिए 3 से 4 लाख रुपए लेते हैं प्रोड्यूसर से। जी फ्रेंड्स, अगर नंबर छः पे बात की जाए उदय सिंह जी की, तो जी फ्रेंड्स, ये एक फिल्म करने के लिए 3 से 4 लाख रुपए लेते हैं फ्रेंड्स। नंबर सात पे बात की जाए फ्रेंड्स प्रेम दुबे की, तो प्रेम दुबे एक फिल्म करने के लिए 3 से 4 लाख रुपए लेते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर नंबर आठ पे बात की जाए हीरा यादव की, तो जी फ्रेंड्स, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहतरीन विलेन माने जाते हैं और ये एक फिल्म करने के लिए 2 से 3 लाख रुपए लेते हैं। अगर नंबर दस पे बात की जाए करण पांडे जी, हैं फ्रेंड्स, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बेहतरीन विलेन में से इनका भी नाम आता है और ये एक फिल्म करने के लिए करीब 1 से 2 लाख रुपए लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान जरूर दबाइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।